तो फ्रेंड्स, हमने अभी पिछले वीडियो में देखा कि सप्लाई यानी क्या होता है, बराबर। अब हम आपका सप्लाई का अगला टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, एंड दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, है ना। अगले टॉपिक का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई, कि कौन कौन से फैक्टर्स सप्लाई को अफेक्ट करते होंगे, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिसके बेसिस पर सप्लाई चेंज होगी। क्लियर। पहला फैक्टर देखिए, प्राइस ऑफ द कमोडिटी है, दूसरा प्राइजेज ऑफ रिलेटेड गुड्स है, तीसरा प्राइजेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, चौथा है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, फिफ्थ है ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म, सिक्स्थ है गवर्नमेंट पॉलिसी, सेवन्थ है नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट, और एट्थ है फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। ये ऐसे 8 फैक्टर्स हैं जिससे सप्लाई पर इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे सप्लाई कम ज़्यादा होती है। अब अपने को हर एक फैक्टर को डिटेल में समझना है। क्लियर। पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ द कमोडिटी। चलिए, पहला फैक्टर क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, ठीक है। अब प्राइस ऑफ द कमोडिटी का सप्लाई से क्या लेना देना, क्या प्राइस के चेंज होने से सप्लाई चेंज होगी कि उतनी रहेगी। देखिए, प्राइस ऑफ द कमोडिटी बोलता है व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी चेंजेस, सप्लाई ऑफ द कमोडिटी ऑल्सो चेंजेस। क्या बोलता है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी का सप्लाई पर क्या इंपैक्ट है, कि अगर कमोडिटी का प्राइस चेंज होगा तो कमोडिटी की सप्लाई भी चेंज होगी। कैसे, क्या सर? लेट से कोई प्रोडक्ट महंगा हो गया, किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई, और आप वो प्रोडक्ट बेचते हो, आप उस प्रोडक्ट के सप्लायर हो, आप बताओ आप ज्यादा बेचोगे कि कम बेचोगे। क्लियर। किसी प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ गई है, सपोज आप मोबाइल बेचते हो, मोबाइल आप मोबाइल सप्लायर हो, और मोबाइल की प्राइसेस बढ़ गई, तो आप क्या सोचोगे, ज्यादा बेचोगे कम? ऑब्वियसली ज्यादा बेचो, ताकि प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो व्हेन प्राइस ऑफ द कमोडिटी इंक्रीजेस, सप्लाई ऑफ द कमोडिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट की प्राइसेस कम हो गई तो आपका प्रॉफिट भी कम हो गया, तो आप सप्लाई भी क्या कर दोगे, कम कर दोगे। सो अगर कमोडिटी का प्राइस चेंज होगा तो सप्लायर सप्लाई भी चेंज करेगा, अगर कमोडिटी का प्राइस बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो सप्लायर बोलेगा मैं ज्यादा सप्लाई करूंगा, अगर कमोडिटी का प्राइस कम होगा तो प्रॉफिट भी कम होगा, तो सप्लायर बोलेगा मैं सप्लाई भी कम करूंगा। मतलब मुझे बताओ, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी में कैसा रिलेशन है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी में कैसा रिलेशन? सर, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी में डायरेक्ट, बराबर डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी एंड सप्लाई ऑफ द कमोडिटी में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप। क्लियर। सो पहला हो गया अपना प्राइस ऑफ द कमोडिटी, पहला फैक्टर। आप वीडियो पॉज करेंगे और ये कंप्लीट करेंगे। चलिए, अगला फैक्टर क्या है, अगला फैक्टर है प्राइजेज ऑफ रिलेटेड गुड्स। चलिए देखते हैं प्राइजेज ऑफ रिलेटेड गुड्स। अब मैंने आपको रिलेटेड गुड्स डिमांड में भी पढ़ाया था, मैंने आपको बोला था रिलेटेड गुड्स जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, बोला था, बराबर आपको याद होना चाहिए। रिलेटेड गुड्स जो हैं वो दो तरीके के होते हैं, कौन कौन से दो तरीके के? एक होता है सर सप्लीमेंट्री गुड्स, और दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, बराबर। रिलेटेड गुड्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है सप्लीमेंट्री गुड्स, दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब सप्लीमेंट्री गुड्स मतलब जो एक की जगह दूसरा चल जाता है, टी एंड कॉफी, है ना, टी एंड कॉफी, कोक एंड पेप्सी। सो लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं अपन टाटा का। अब टाटा टी भी बेचता है और कॉफी भी बेचता है, ठीक है। सपोज कॉफी के प्राइजेस ज्यादा हो गए तो टाटा ज्यादा क्या बेचने की सोचेगा, कॉफी। तो बोलेगा यार मेरे सारे लेबर कॉफी बनाए, क्योंकि कॉफी में प्रॉफिट ज्यादा है, तो वो टी की सप्लाई कम कर देगा। भाई आप टाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अगर टाटा टी भी सप्लाई करता है और कॉफी भी सप्लाई करता है, अगर कॉफी के प्राइसेस बढ़ गए तो टाटा ज्यादा क्या बेचेगा, कॉफी बेचेगा ना, तो टी की सप्लाई वो कम कर देगा। अगर कॉफी के प्राइसेस कम हो गए तो ज्यादा क्या बेचेगा, वो बोलेगा यार कॉफी के प्राइसेस तो कम हो गए यार, प्रॉफिट कम हो गया है,
तो एक काम करते हैं टी बेचते हैं, तो टी की सप्लाई वो क्या कर देगा, ज्यादा कर देगा। तो कैन आई से अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज हो रहा है, जैसे कॉफी का प्राइस चेंज हो रहा है तो टी की सप्लाई चेंज हो रही है, हो रही है। अगर सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस चेंज हो रहा है तो कमोडिटी का सप्लाई चेंज हो रहा है। सब्स्टिट्यूट गुड्स महंगा हो गया तो सब्स्टिट्यूट ज्यादा बेचोगे तो कमोडिटी की सप्लाई कम हो जाएगी। सब्स्टिट्यूट सस्ता हो गया तो सब्स्टिट्यूट कम बेचोगे तो कमोडिटी की सप्लाई बढ़ जाएगी। मतलब कैसा रिलेशन टी और कॉफी में कैसा रिलेशन है, सब्स्टिट्यूट गुड्स में कैसा रिलेशन है, इनवर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप है। क्लियर। अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का मतलब होता है जॉइंट गुड्स। सो जॉइंट गुड्स में अपन ले लेते हैं पेन एंड रबर। मान लो आप पेन भी बेचते हो और रबर भी बेचते हो, पेन एंड रिफिल। सपोज आप पेन भी बेचते हो और रिफिल भी बेचते हो, मान लो रिफिल हो गई महंगी, तो आप क्या सोचोगे, पेन ज्यादा बिके या नहीं बिके, आप पेन की सप्लाई बढ़ाओगे। भाई रिफिल महंगी हो गई तो रिफिल में प्रॉफिट बढ़ गया, अब रिफिल ज्यादा कब बिकेगी, जब पेन ज्यादा बिकेगा तो आप पेन की सप्लाई बढ़ा दोगे। लेकिन मान लो रिफिल हो गई सस्ती तो रिफिल में प्रॉफिट कम हो गया, अब आप बोलोगे यार रिफिल ना बिके क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं है, तो रिफिल ना बिके तब पेन भी कम बेचना पड़ेगा, तो पेन की सप्लाई भी आप क्या कर दोगे कम। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस चेंज होता है तो कमोडिटी की सप्लाई भी बदलती है। क्लियर। कैसा रिलेशन इधर होता है, डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप। क्लियर हुआ, ठीक। तो आप वीडियो पॉज करेंगे और ये इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। सप्लीमेंट्री गुड्स में कैसा रिलेशनशिप है, सप्लाई में इनवर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स में कैसा रिलेशनशिप है, डायरेक्ट या पॉजिटिव रिलेशनशिप। क्लियर। चलिए अगला थर्ड फैक्टर क्या है, प्राइजेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, है ना। थर्ड फैक्टर क्या है, प्राइजेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्राइजेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। प्राइजेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किसी चीज को बनाने में कितना खर्चा आता है, ठीक है, किसी चीज को बनाने में कितना खर्चा आता है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो अगर आप फर्नीचर बनाते हो तो फर्नीचर को बनाने में कितना खर्चा आता है उसको बोलते हैं प्राइजेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। भाई फर्नीचर बनाने में खर्चा आता होगा ना, तो खर्चा कितना आता है उसको बोलते हैं प्राइजेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मान लो फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए अगर आउटपुट ज्यादा करने से, मतलब ज्यादा बनाने से मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो आप बताओ आप ज्यादा बनाओगे क्या। ज्यादा बनाने से आपके खर्चे बढ़ रहे हैं तो आप ज्यादा बनाओगे नहीं, ज्यादा बनाने से खर्चे बढ़ रहे हैं तो मैं ज्यादा नहीं बनाऊंगा, मतलब सप्लाई को मैं नहीं बढ़ाऊंगा। क्लियर। सप्लाई विल रिमेन सेम, मैं क्यों बढ़ाऊं भाई सप्लाई। क्लियर हो रहा है कि अगर ज्यादा बनाने से मेरे खर्चे ज्यादा हो रहे हैं तो मैं सप्लाई को मैं इंक्रीज नहीं करूंगा, सप्लाई विल नॉट इंक्रीज, क्यों करूं इंक्रीज। लेकिन अगर ज्यादा बनाने से, आउटपुट बढ़ाने से मेरे खर्चे कम हो रहे हैं, मेरे को सस्ता पड़ जाता है बनाना, ज्यादा बनाऊंगा बल्क में बनाऊंगा तो सस्ता पड़ेगा, तो ज्यादा बढ़ाओगे ऑब्वियसली सप्लाई विल इंक्रीज। तो अगर ज्यादा बनाने से खर्चे ज्यादा हो रहे हैं तो क्यों ज्यादा बनाना है, प्रॉफिट तो कम हो जाएगा ना भाई। ज्यादा बनाओगे खर्चे ज्यादा होंगे तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा, तो सप्लाई आप मत बढ़ाओ। लेकिन ज्यादा बनाने से अगर खर्चे कम हो रहे हैं, खर्चे कम हो रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रॉफिट क्या होगा, बढ़ेगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा कि नहीं होगा। भाई खर्चे कम हो रहे हैं तो प्रॉफिट विल इंक्रीज, तो प्रॉफिट बढ़ रहा है तो ज्यादा बनाओ, सप्लाई विल इंक्रीज। क्लियर। चलिए वीडियो पॉज करिए और ये कंप्लीट करिए, ठीक है। तो ज्यादा बनाने से खर्चे ज्यादा हो रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रॉफिट कम होगा, मत बढ़ाओ सप्लाई। ज्यादा बनाने से खर्चे कम हो रहे हैं, खर्चे कम हो रहे हैं तो प्रॉफिट बढ़ेगा, सप्लाई विल इंक्रीज। क्लियर। तो ये अपना अगला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया। अब अगला स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, चलिए देखते हैं स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मान लो किसी सप्लायर के पास एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, एडवांस टेक्नोलॉजी का मतलब है मॉडर्न टेक्नोलॉजी,
तो अगर किसी सप्लायर के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी फटाफट बनता है तो क्या वो सप्लायर फटाफट कर पाएगा? यस, तो सप्लाई वो ज्यादा करेगा, सप्लाई इंक्रीज होगी भाई, ज्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी तो वो ज्यादा जल्दी बना पाएगा। लेकिन अगर किसी सप्लायर के पास आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, पुरानी, तो जब आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है तो बनाने की स्पीड भी स्लो होगी, स्पीड स्लो होगी तो कम बनाओगे, तो सप्लाई विल डिक्रीज। क्लियर? तो अच्छी टेक्नोलॉजी सप्लायर यूज करेगा तो फटाफट बनेगा, ज्यादा बनेगा। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज करेगा तो भाई सप्लाई कम होगी, ज्यादा वेस्टेज होगा ना, पुरानी मशीन यूज करोगे तो वेस्टेज भी ज्यादा होगा, खर्चे ज्यादा होंगे, नुकसान होगा, तो सप्लाई विल डिक्रीज। क्लियर? अगला स्टेट ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। अब अगला देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म। ठीक है, अब कार बनाने वाली दो कंपनी, एक है मारुति और एक है बीएमडब्ल्यू, किसकी नंबर ऑफ कार्स ज्यादा बिकती है? नंबर ऑफ कार्स इसकी ज्यादा है, इसकी नंबर ऑफ कार्स महीने में एक ही बेचता होगा, कम है। तो मारुति कारें ज्यादा बेचता है, बीएमडब्ल्यू कार कम बेचता है। ठीक है, मारुति और बीएमडब्ल्यू में प्रॉफिट, पर कार प्रॉफिट ज्यादा कौन कमाता है? पर कार प्रॉफिट, पर कार प्रॉफिट, एक कार पर प्रॉफिट ऑब्वियसली मारुति को कम होता होगा, सस्ती गाड़ी है, लेस इसका पर कार प्रॉफिट इसका हाई होगा। ऐसा क्यों? जब दोनों गाड़ियां बेच रहे हैं तो भाई मारुति ज्यादा गाड़ियां बेच रहा है और बीएमडब्ल्यू कम गाड़ी बेच रहा है। बीएमडब्ल्यू बोलता, मारुति बोलता मैं दिन में 10 गाड़ियां बेचूंगा, बीएमडब्ल्यू बोलता मैं महीने में एक गाड़ी बेचूंगा। ऐसा क्यों? किसकी सप्लाई ज्यादा है? मारुति की सप्लाई मोर है, ज्यादा सप्लाई है ना, बीएमडब्ल्यू की सप्लाई लेस है। ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों कंपनीज के ऑब्जेक्टिव अलग अलग हैं। मारुति का ऑब्जेक्टिव है वॉल्यूम, कि मैं ज्यादा गाड़ियां बेचूं, है ना, मारुति का ऑब्जेक्टिव है, मेरे को प्रॉफिट से मतलब नहीं है, मेरी गाड़ियां ज्यादा बिकनी चाहिए, मेरे को प्रॉफिट पर गाड़ी कम होगा लेकिन मेरी गाड़ियां ज्यादा। बीएमडब्ल्यू बोलता है मेरा ऑब्जेक्टिव है लग्जरी, मैं एक ही गाड़ी बेचूंगा लेकिन एक गाड़ी इतनी लग्जरी बना के बेचूंगा कि बाकी की गाड़ियां फेल हो जाएंगी। तो जिस फर्म का ऑब्जेक्टिव वॉल्यूम होता है उसकी सप्लाई ज्यादा होती है, लेकिन जिस फर्म का ऑब्जेक्टिव लग्जरी होता है उसकी सप्लाई कम होती है। क्लियर हुआ ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म? क्लियर? तो वीडियो पॉज करके इसको कंप्लीट करिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फर्म से भी डिसाइड होता है किसका सप्लाई ज्यादा होगा और किसका सप्लाई कम होगा। अगला गवर्नमेंट पॉलिसी। क्या गवर्नमेंट पॉलिसी से सप्लाई चेंज होती है? बिल्कुल, देखते हैं गवर्नमेंट पॉलिसी सप्लाई चेंज होती है क्या। गवर्नमेंट पॉलिसी, इफ पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट चेंजेस सप्लाई ऑफ द कमोडिटी ऑल्सो चेंजेस। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होगी तो सप्लाई भी चेंज होगी। कैसे? सपोज गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए, टैक्स बढ़ा दिया तो सप्लायर का प्रॉफिट कम हो जाएगा। जब वो बोलेगा यार टैक्स ज्यादा भरना पड़ रहा है, प्रॉफिट तो कमा ही नहीं रहा हूं, तो वो सप्लाई ज्यादा करेगा कम करेगा? ऑब्वियसली सप्लाई कम करेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने अगर टैक्स कम कर दिया तो सप्लायर का प्रॉफिट बढ़ गया। टैक्स कम तो प्रॉफिट ज्यादा तो सप्लाई क्या बोलेगा, अरे टैक्स कम हो गया, प्रॉफिट बढ़ गया, सप्लाई ज्यादा करो, तो सप्लाई बढ़ जाएगा। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी के चेंजेस होने से भी सप्लाई चेंज हो जाती है। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। ठीक है, नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट। मान लो दो प्रोडक्ट है, दो कमोडिटी है, कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई। कमोडिटी एक्स बनाने वाली, मैन्युफैक्चर करने वाली, मैन्युफैक्चर ओनली वन फर्म, एक ही कंपनी है जो कमोडिटी एक्स बनाती है,
कमोडिटी वाई बनाने वाली, मैन्युफैक्चर करने वाली 10 कंपनीज। तो आप मुझे बताओ कौन से प्रोडक्ट का सप्लाई ज्यादा होगा। ऑब्वियसली कमोडिटी एक्स बनाने वाली एक ही कंपनी है, तो भाई वो जितना बना सकती है उतनी बनाएगी, तो इसका सप्लाई लेस होगा क्योंकि एक ही कंपनी है बनाने वाली। लेकिन कमोडिटी वाई बनाने वाली तो 10 कंपनीज है, 10 कंपनी बनाती है ना, 10 बनाएंगी तो सप्लाई ज्यादा होगा, तो इसकी सप्लाई ज्यादा होगा। क्लियर? तो जिस कमोडिटी को बनाने वाली ज्यादा फर्म्स हैं उसकी सप्लाई ज्यादा, जिस कमोडिटी को बनाने वाली कम फर्म्स हैं उसकी सप्लाई कम। क्लियर? लास्ट, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। लास्ट फैक्टर विच अफेक्ट सप्लाई इज फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन। ठीक है, मान लो कोई सप्लायर ऑफ पेट्रोल है, कोई सप्लायर ऑफ पेट्रोल है, इस सप्लायर को पता चलता है कि ठीक है टुमारो प्राइजेस जो हैं वो इंक्रीज होंगे पेट्रोल के, टुमारो कल जो प्राइजेस हैं पेट्रोल के वो इंक्रीज होंगे, तो वो प्रेजेंट में सप्लाई क्या करेगा, वो क्या सोचेगा, मैं आज बेचूं कि कल बेचूं। मान लो कोई सप्लायर ऑफ पेट्रोल है, पेट्रोल पंप है किसी का, और पेट्रोल पंप के मालिक को पता चलता है कल पेट्रोल महंगा होने वाला है, तो वो क्या सोचेगा, आज बेचे कि कल बेचे। ऑब्वियसली कल पेट्रोल महंगा होने वाला है, कल पेट्रोल महंगा होने वाला है तो वो बोलेगा यार कल तो मेरे को प्रॉफिट ज्यादा होगा, तो वो प्रेजेंट में सप्लाई क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो कोई चीज अगर कल महंगी होने वाली है तो मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन कल आपका बढ़ जाएगा, तो सप्लायर प्रेजेंट में सप्लाई उसको बंद कर देगा, कम कर देगा। लेकिन मान लो पेट्रोल पंप के ओनर को पता चलता है कल टुमारो जो प्राइजेस हैं वो कम हो जाएंगी, डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कल बेचेगा तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो वो क्या सोचेगा, आज ही बेच दूं। प्रेजेंट में सप्लाई क्या सोचेगा, बढ़ा दूं, क्योंकि यार कल तो मेरे को नुकसान होगा। तो अगर कोई चीज का प्राइस फ्यूचर में है ना, फ्यूचर में बढ़ेगा तो प्रेजेंट में सप्लाई कम होगा, फ्यूचर में बढ़ेगा तो कल बेचूंगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा ना, तो प्रेजेंट में सप्लाई कम होगा। लेकिन अगर किसी चीज का प्राइस फ्यूचर में कम होने वाला है, फ्यूचर में भाई कम हो जाएगा तो फ्यूचर में बेचूंगा तो नुकसान हो जाएगा, तो प्रेजेंट में सप्लाई उसकी बढ़ा देगा कि आज ही बेच के प्रॉफिट कमा लो। क्लियर? सो दीज आर दी फैक्टर्स विच अफेक्ट सप्लाई। अपन ने सारे फैक्टर्स क्या किए, कंप्लीट कर लिए कि कौन कौन से फैक्टर्स सप्लाई को अफेक्ट करते हैं। क्लियर? तो आई होप आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई भी क्लियर हो गया होगा।